हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि इसमें ब्रेन से रिलेटेड हम जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो दोस्तों, नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जो अंगों की क्रियाविधि है ना, और जो भी मतलब निर्देश देना है बॉडी को, तो ये सभी कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। और ये पूरे बॉडी में ही होते हैं दोस्तों, सभी अंगों से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसके जो मुख्य प्रकार हैं, याद रखिएगा, दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या होता है कि ये दिमाग से मतलब ब्रेन से और बैकबोन से जुड़ा होता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है, बाकी सभी अंगों से जुड़ा होता है, ठीक। अब देखते हैं इसके मुख्य भाग। तो दोस्तों, नर्वस सिस्टम के तीन मुख्य भाग होते हैं। कितने? तीन मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन्स, ठीक। दूसरा होता है ब्रेन मतलब मस्तिष्क, और थर्ड होता है मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो तीनों का ही जो यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका मतलब जो न्यूरॉन्स हैं, इनका क्या काम होता है? तो दोस्तों, तंत्रिका कोशिका क्या करती है, ब्रेन से जो भी मतलब संदेश है, जो भी मैसेज है, वो पूरे अंगों तक पहुंचाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है न्यूरॉन्स का। फिर सेकंड होता है, हम मेरुरज्जु पहले देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है और ये कहाँ होता है? तो दोस्तों, जो मस्तिष्क है उसे बैकबोन से मतलब ब्रेन को बैकबोन से जोड़ने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये वहीं तक जुड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? तो दोस्तों, ये क्या करता है, जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन है मतलब प्रतिवर्ती क्रियाएँ हैं, इन्हें कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और रिफ्लेक्स एक्शन होती क्या है? तो दोस्तों, जब भी आपने देखा होगा कि आपको छींक आती है, तो आपके हाथ अपने आप नाक तक चले जाते हैं। जब आपके आँख में कोई कंकड़ चला जाता है, तो आपके पलक अपने आप बंद होने लगते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। और इसे कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब हम देखते हैं ब्रेन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? तो ब्रेन दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है, तीन भागों में बटा होता है। एक होता है फोर ब्रेन, सबसे आगे होता है फोर ब्रेन, ठीक, मतलब अग्र मस्तिष्क। फिर सेकंड होता है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और लास्ट होता है हिंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क। तो ये तीनों ही याद रखिएगा। और इन तीनों के ही कितने कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, तीनों के ही दो दो पार्ट होते हैं, और दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो अग्र मस्तिष्क का जो पार्ट होता है, एक होता है सेरिब्रम, और दूसरा होता है डायएनसिफेनॉल। और इसके भी दो पार्ट होते हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और ये दो ग्रंथियां भी होती हैं, तो इसे हम आगे जो ग्लैंड है उनमें डिस्कस करेंगे। तो सेरिब्रम, डायएनसिफेनॉल, और डायएनसिफेनॉल के भाग होते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रल पिडिकल, और जो सेकंड पार्ट होता है, ये होता है कार्पोरा क्वाडी जेमिना। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कार्पोरा क्वाडी जेमिना, हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक। फिर पश्च मस्तिष्क देखते हैं। पश्च मस्तिष्क में क्या होता है? पश्च मस्तिष्क के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिबेलम। दोस्तों, नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें है सेरिबेलम, फर्स्ट में था सेरिब्रम और सेकेंड में था सेरिब्रल पिडिकल, ठीक। तो सेरिबेलम। और फिर पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसमें भी ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इनके कार्य। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन में हमने क्या देखा था? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को ही क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क। ये नाम आपको याद रखना है, प्रमस्तिष्क। इसका काम क्या होता है?
तो दोस्तों सेरिब्रम को बुद्धि का केंद्र, स्मरण शक्ति का केंद्र, चेतना का केंद्र कहा जाता है। तो जो भी हमारा दिमाग है जो काम करता है और जो भी हमारे शरीर में चेतना होती है वो सेरिब्रम से ही कंट्रोल किए जाते हैं और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, फिर हम देखते हैं डायएन्सिफेनॉल के पार्ट हैं थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस का क्या काम होता है? तो दोस्तों जो भी दर्द है और ठंड और गर्म का एहसास हमें किससे होता है? ये होता है थैलेमस से, याद रखिएगा। फिर सेकंड है हाइपोथैलेमस, ये सभी अग्र मस्तिष्क के पार्ट हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? तो जो भूख लगती है हमें, भूख और प्यास का एहसास किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। तो अग्र मस्तिष्क में क्या होते हैं दोस्तों कि जो भी एहसास हैं, जो भी दिमाग हमारा काम करता है, मतलब बुद्धि का केंद्र, चेतना, ठंड गर्म का एहसास, भूख और प्यास, ये सभी अग्र मस्तिष्क से पता चलते हैं। फिर सेकंड है मध्य मस्तिष्क। तो दोस्तों मध्य मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना। कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना का क्या काम होता है? तो ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, तो देखने और सुनने के लिए जो भी हमारा जो देखना है सुनना है, तो ये सभी किससे हमें पता चलता है? कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना से। ठीक है, तो हम देखने सुनने की शक्ति हमें किससे मिलती है? ये मिलती है कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना से और ये मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। फिर आता है पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क में हमने सबसे पहले क्या देखा? सेरिबेलम। तो दोस्तों हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम और इसका क्या काम होता है? तो आप इसमें देख रहे हैं बेलम वर्ड लगा हुआ है, तो बेलम से हम क्या बना सकते हैं? बैलेंस। तो हमारे बॉडी का बैलेंस मतलब संतुलन कौन बना के रखता है? सेरिबेलम बना के रखता है। तो जो भी बैलेंस है बॉडी का कौन बना के रखता है? सेरिबेलम, और ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। फिर सेकेंड है मेडुला ओब्लोंगेटा। तो मेडुला ओब्लोंगेटा का क्या यूज़ है? सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ये हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी हमने देखा था। तो मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करता है? ये जो श्वसन है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इनको कंट्रोल करता है। मतलब रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो दोस्तों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुनर्योजन शक्ति सबसे कम होता है। तो सबसे कम मतलब रीजनरेटिव पावर किसमें सबसे कम होता है? मस्तिष्क में। और सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो ये होता है यकृत में, लीवर में। सबसे कम मस्तिष्क में और सबसे ज़्यादा यकृत में। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, मानव मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम, याद रखना है आपको 1400 ग्राम। आगे देखते हैं, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में विभाजन नहीं होता? तो दोस्तों जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो कुछ जो टिश्यूज होते हैं वो बनते हैं, टूटते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसी कोशिका ऊतक है जो नहीं, कभी उसमें विभाजन नहीं होता, तो ये होती है तंत्रिका ऊतक, याद रखिएगा तंत्रिका ऊतक। मस्तिष्क संबंधित बीमारी का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो मस्तिष्क संबंधित बीमारी का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, मतलब EEG, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क मतलब सेरिब्रम, ये अग्र मस्तिष्क के पार्ट है। हमने क्या क्या देखा था? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की चेतना का केंद्र है, तो मनुष्य की चेतना का केंद्र है सेरिब्रम और सेरिबेलम क्या करता है? तो ये होता है पश्चिम मस्तिष्क का भाग और ये क्या काम करता है? जो बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस बना कर रखता है। मेडुला ओब्लोंगेटा ये भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, तो ये क्या काम करता है? तो ये श्वसन, हार्ट बीट और जो ब्लड प्रेशर है इनको कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं, भूख का एहसास किस भाग से होता है? तो भूख हमें किस भाग से लगता है? तो ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, तो ये होता है हाइपोथैलेमस से, और थैलेमस से तो ये हमें दर्द, ठंड और गर्म का एहसास कराता है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज, तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? मेरु रज्जू, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 90 सेंटीमीटर। ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका की लंबाई कितनी होती है, तो ये कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग हैं। तो तंत्रिका तंत्र के सबसे मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो एक होता है न्यूरॉन्स, सेकेंड है ब्रेन और थर्ड होता है मेरु रज्जू। तो आई दोस्तों, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके डाउट हैं और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और मैं आप सभी के कमेंट्स देखती हूँ, तो आई होप आप अपना सुझाव मुझे ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।